हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी नई दोस्त गजाला एहसन, और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ शॉर्टकट तरीके से धनिए की चटनी। वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में ताज़ी ताज़ी धनिए की पत्ते की चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, इसकी चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये ताज़ी धनिए की पत्ती। इसको मैंने काट लिया है, काट करके ये जो सारा कचरा है इसको मैं हटा दे रही हूँ, और अब इसको मैंने धो लिया है। ये देखिए, धो करके मैंने इसको साफ कर लिया है और छोटे छोटे काट लिया है इसको। और ये है इसमें डालने के लिए थोड़ा सा लहसुन, इसको मैंने छील लिया है, छील के साफ कर लिया है। और ये है हरी मिर्च, इसको भी मैं टुकड़ों में काट लेती हूँ। ये मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये लिया है इसमें डालने के लिए नींबू, और इसमें डालने के लिए थोड़ा सा नमक। अब मैं चलती हूँ इसको बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए। छोटे वाले जार में हम पहले सारे चीज़ों को डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें मिर्ची, लहसुन, और फिर इसमें डालूँगी कटी हुई धनिया की पत्ती। पत्ती चूंकि हल्की होती है इसलिए जार में पहले नहीं अटेगी, इसको पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पहले ज़माने के सिल बट्टे में तो इसमें आसानी से पीस लिया जाता था, इसमें तो अच्छे से स्टिकी भी हो जाता था, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको फिर इसमें जार में डाल करके और इसको फिर पहले धीरे धीरे चलाएंगे। अब ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पिसाई हो चुकी है। अब इसको मैं एक प्याले में निकाल दूंगी सारा। ये देखिए, ये मैंने सारा एक प्याले में निकाल दिया है इसको, और अब मैं इसमें निकाल दूंगी। और ये जो है स्क्वीज़र से मैं इसमें नींबू डालकर, ये देखिए मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ दूंगी, देख लीजिए। और ये अब तैयार है हमारी। अब देखिए, ये है स्वादिष्ट धनिए की चटनी। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है नींबू को। ये है हमारी शॉर्टकट चटनी। तो आपको चटनी कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके पास जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।